तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये दही आलू की रेसिपी बनके तैयार हुई है, और इसकी ग्रेवी का आप थिकनेस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वाले आलू, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने घर का दही है लगभग 250 ग्राम के आसपास लिया है, और ये एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे डाला है ताकि इसे थोड़ी सी कलर भी आ जाए, तो आपके पास हो तो डालें, नहीं तो नॉर्मल मिर्च भी डालें। तो इन सबको अच्छे से हमने फेंट लिया है। उसके बाद हमने उबले हुए आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, और उस आलू को हम इस प्रकार से काटेंगे, कुछ एक आलू को 4 भागों में, ताकि जो बड़े बड़े आलू हों, क्योंकि दही वाले आलू में थोड़े से बड़े आलू ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये देखिए कुछ इस प्रकार का शेप हमने रखा है आलू का। तो ये देखिए इसी प्रकार से हमने सारे आलू को कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये दही आलू की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, इसमें थोड़े से बड़े आलू रखने से ये बहुत ही बढ़िया होता है खाने में, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो इस उबले हुए आलू को हमने काट के अब हम इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। अब चाहे तो हाथों के सहारे भी मिला सकते हैं, हमने चम्मच की मदद से मिलाया है इसे। और उसके बाद हम ने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, कुछ इस प्रकार से इसे चॉप किया, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ हरी धनिया। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे लगभग 2 चम्मच के आसपास, 2 बड़े चम्मच। तो तेल को हम हीट करके इस आलू को पहले हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने के बाद इसका थोड़ा जो टेक्सचर है वो खाने का, जो इसमें जो कोटिंग आ जाती है ना फ्राई होने के बाद, तो वो आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा फाइनली आलू फ्राई हो गया हल्के से। नमक मसाले मिलाने के बाद जो फ्राई होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसी फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल और डालेंगे, और ये आधी चम्मच हरा जीरा और ये कुछ कटी हुई हरी मिर्च। और इसे डालने के बाद हम प्याज को डालेंगे, कटी हुई प्याज को। प्याज को हमने इस प्रकार के बारीक बारीक शेप में काटा है, तो इस प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। इसे पकाने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है, तो ये ब्राउन भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अदरक डाल देंगे इसमें। तो अदरक हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसे घिस के डाला है। तो अदरक को भी हम लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे इसमें, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से और पका लेंगे। तो ये फाइनली हमारा देखिए प्याज जो है अच्छे से रोस्ट भी हो गया है, और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमने दही का जो घोल तैयार किया था मसाले मिला के, उसे हम डालेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमने चूल्हे को बंद कर दिया है, क्योंकि चूल्हा ऑन रहने से ये दही फटने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे इस चीज़ का। तो इसीलिए बंद करके डालें, उसके बाद अब गैस को ऑन करें। तो ये देखिए हमने फिर से चूल्हे को स्टार्ट किया है। तो ये देखिए किस प्रकार से ये इसका पानी बिल्कुल दही का सूख गया, मसाला भी हमारा ये कितना बढ़िया ये भुन गया है, ये बिल्कुल पैन छोड़ रहा है ना फ्रेंड्स। देखने से आपको लग रहा होगा कि इसका सारा पानी सूख गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ये तेल भी अलग हो गया, इसका मतलब हमारा ये मसाला फ्राई हो गया है। ये देखिए कलर भी कितना चेंज हो गया है, हमने जिसमें डाला था और अभी कितना चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फ्राई होने के बाद मसाला हम इसमें पानी डालेंगे लगभग 1 कटोरी के आसपास, 200 ml के आसपास, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है ना। तो ये देखिए हमारा इसमें उबाल आना चालू हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे आलू को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, और आलू को मिला के इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। और ये लास्ट में हमने थोड़ी सी गरम मसाला और हरी धनिया इसमें डाला है,
और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी बनी है, ये बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट वाली दही आलू की सब्जी। तो ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये फाइनली हमारा बनके तैयार हो गया दही आलू की रेसिपी। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी बनके आई है और आलू में भी कितने बढ़िया ये मसाला कोट हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को बनाएं फ्रेंड्स। ये देखने से लग रहा ना ये बिल्कुल होटलों वाली जो दही आलू की रेसिपी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स और अपने मेहमानों को खिलाएं कि ये यूनिक और डिलीशियस रेसिपी आप अपने घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।